अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आपका दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो सी आपने पिछली इन्फॉर्मेशन वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और उसके बाद आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। आपका दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं आपके सभी सवालों की, और मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सवाल किए हुए हैं और उन्होंने कमेंट भी किए हैं बहुत ज़्यादा कि अपना नंबर दो और उसके बाद हमने आपसे वीज़ा लेना है और हमें इस अभी जो से हालात चल रहे हैं इस हालात में हमें ओमान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैं उन्हें सबसे पहले यही बोलूँगा कि अभी जो से हालात हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहे हैं ओमान में। अगर आपका इधर कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है तो उसके बाद फिर आप इधर ओमान में आएँ, और उसके अलावा इधर आप ओमान में ना आएँ, क्योंकि अगर आप किसी न्यू वीज़े में आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई यहाँ, क्योंकि यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को काम भी नहीं मिल रहा और काम के हालात भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं इधर ओमान में आजकल। और उसके बाद रही ये वीज़ों की बात, तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ इधर और ना ही कोई मेरी कंपनी है, मैं यहाँ खुद किसी की कंपनी में काम कर रहा हूँ। और पहले जब मैं इधर आया था मैं अभी बहुत महीने फ़ारग रहा हूँ और मुझे काम नहीं मिल रहा था, फिर एक दोस्त ने कॉल की, फिर अभी इधर काम कर रहा हूँ कुछ महीनों से मैं। और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कुछ जो से दोस्त फारग बैठे हैं वो अभी तक फारग बैठे हैं, वो अपने कंट्री से पीछे से पैसे मंगवा के खा रहे हैं वो, और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ये वक्त जा रहा है। अभी वो इधर मान में आ तो गए हैं पर अभी उन्हें काम नहीं मिल रहा, कभी उनका एक दिन काम मिलता है, 2 दिन काम नहीं मिलता। और ये सारी चीज़ें आप देख के इधर मान में आइएगा, अगर यहाँ आगे आपको कोई कंपनी का वीज़ा है, आगे आपको कोई काम दे रहा है तो फिर आप मान में आइए। अगर आप आज़ाद वीज़े में आएंगे यहाँ आके आप काम ढूंढेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ प्रदेश में वही आता है जो सा गरीब आदमी होता है या जिसके पास पैसे हैं या जिनका कोई अपना कारोबार है, वो इधर ग्लोबल विलेज में नहीं आता। यहाँ वही आते हैं जिनके ऊपर कर्ज़ा या जिनको कोई परेशानी टेंशन हो, वही आता है इधर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल से आया जाता है इधर प्रदेश में, कोई अपने पीछे चीज़ बेच के या किसी से पैसे उठा के इंसान इधर आता है, जब इधर आता है तो फिर उसे यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इधर। तो आप ये सारी चीज़ें देख के फिर आप इधर मान में आइएगा, तो वैसे आप इधर ना आइए क्योंकि यहाँ आपको खाना भी खाना पड़ेगा, रूम का रेंट भी देना पड़ेगा और उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो जब आपने कमाना नहीं है तो फिर ये सब आप कैसे करेंगे? तो आप अगर पाकिस्तान, इंडिया या कौन से भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ आपका घर तो अपना है, आप इधर खा भी सकते हैं थोड़ा ये जैसे मर्जी है, यहाँ आके आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ, क्योंकि प्रदेश में कोई भी किसी के काम नहीं आता है। और दूसरी बात करते हैं स्कैम की, और स्कैम आजकल ये हो रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि अभी वो अपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर वो आपको ऐड देते हैं कि ये ओमान का वीज़ा है या किसी और कंट्री का वीज़ा है, आप ये फॉर्म फिल करें और हम उसके बाद आपको रब्ता करेंगे और उसके बाद आपको इंटरव्यू लेंगे और फिर आपको वीज़ा देंगे, कंपनी मरैश भी देगी, सैलरी देगी, ये करेगी वो करेगी। और जो उनसे या जिनको नहीं पता आता वो आदमी तो ये स्कैम में आ जाते हैं, जिसको ये पता आता है वो नहीं आते। और ये आ रही इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी भी ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है ये ऑनलाइन फ्रॉड का, और वो आपसे पैसे मंगवा लेते हैं और उसके बाद आपको एक ये जो है फेक डॉक्यूमेंट होता है, वीज़े की कॉपी होती है फेक, तो वो आपको भेज देते हैं, आपको यही होता है कि आपका वीज़ा लग गया है, तो फिर जब उसे आप पैसे दे देते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि यह फेक है। तो इसलिए जो भी अगर आपने किसी से वीज़ा लेना है तो अपने किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त से या कोई ऐसा एजेंट हो जो आपके गाँव का हो या जिससे आपकी जान पहचान हो उससे वीज़ा लें, क्योंकि ये स्कैम हो रहा है। तो ये ना हो कि आप अपने पैसे दे के उसके बाद फिर यह पछताएं बहुत ज़्यादा। और यह दूसरा स्कैम ये निकला है कि लोग आपको मैसेज करते हैं कि आपने वहाँ से शॉपिंग की थी, लुलू से, नेस्टो से या कहीं और जगह से आपने शॉपिंग की थी, तो आपका आईफोन निकला है या आपका लैपटॉप निकला है या आपकी घड़ी निकली है, तो आपके पास ओटीपी आता है, वो हमें ओटीपी भेजे, 2-3 ओटीपी भेजें, तो उसके बाद हम आपको ड्रेस भेजेंगे, तो फिर आप उधर आके अपना गिफ्ट ले जाइएगा। तो जब आप उसे अपना ओटीपी भेजते हैं तो आपके ओटीपी से आपके जो सी सिम होती है ये ओमान की, उसमें से बहुत ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर बिल आ जाता है आपकी सिम के ऊपर, अगर अगर आपकी बिलिंग सिम है। तो ऐसे स्कैम चल रहे हैं, और एक बैंक अकाउंट वाला स्कैम चल रहा है कि वो भी ऐसे बोलते हैं आपकी ये चीज़ निकली है, अपना अपना बैंक अकाउंट नंबर दें, अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दें, तो
तो हम आपको पैसे भेजेंगे, उसके बाद आपको ड्रेस भी देंगे, तो आप हमारे पास आइएगा, अपना गिफ्ट ले जाइएगा। तो आप ये सभी चीज़ों का ख्याल रखिए ना, आप अपने किसी को अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके बाद ना ही आपने किसी को अपना OTP देना है, क्योंकि जब आपने किसी को अपना OTP या बैंक की इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपका बहुत ज़्यादा खसारा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको। और लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, और आगे भी और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ का भला हो जाए और कुछ को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या गलत है क्या सही है। ओके, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।